आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे ब्लाउज का बहुत सारा डिजाइन। 11 डिजाइन हम बताए हैं, कैसे आपको कटिंग करना है, कैसे लाइन ड्रॉ करना है, कैसे नाप लेना है, कितना डीप नेक में आप कौन सा वाला डिजाइन बना सकते हैं, सारा कुछ बताए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बहुत सारा डिजाइन हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो मेरा चैनल में ब्लाउज कटिंग भी है, डिजाइनर वाला ब्लाउज की कटिंग भी है, और अभी पेपर कटिंग का क्लासेस चल रहा है। अगर चैनल में नए हैं तो जाके देखिए, सीखिए, पेपर कटिंग शुरू से लेकर के अब तक का सारा कुछ बताए हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिजाइन, ब्लाउज का बेकनेक डिजाइन होगा। ब्लाउज में आप सूट में भी यूज कर सकते हैं, जिसको सूट में भी कुर्ती में भी डीप नेक पसंद है, डीप नेक में ब्लाउज सॉरी डिजाइन पसंद है, वो सब हम बताए हैं, जाके देखिए और सीखिए। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है कि पहले एक पेपर ले लिए हैं, इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे। देखिए डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका नेक का डीप आपको कितना रखना है, उसी हिसाब से आपको डिजाइन का जो है लाइन ड्रॉ करना है। तो देखिए हम यहाँ पे कितना लेंगे, 2.5 इंच से थोड़ा ज्यादा लेंगे, ठीक है। इस डिजाइन के लिए हम 2.5 इंच से थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, डीप लेंगे। कितना हम डीप लेंगे, तो डीप हम रखेंगे 9.5 इंच, 9.5 इंच रखें डीप। अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा लाइन ड्रॉ करके और मिला देंगे। देखिए इस तरीके से सीधा मार्किंग कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चरखुट कर लेंगे, ठीक है, चरखुट हो गया। अब हमको यहाँ पे डिजाइन देना है, तो डिजाइन आप किस तरीके से दे सकते हैं और कैसा कैसा डिजाइन आप यूज कर सकते हैं, देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ से जो है, यहाँ से ऊपर तरफ से नीचे तरफ हम 3 इंच रखेंगे, मिनिमम 3 इंच, ठीक है, 3 इंच लिए। अब इसको हम इस तरीके से चरखुट करेंगे, ध्यान रखिएगा इस तरीके से हमको चरखुट करना है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से देखिए बीच से सेंटर से यहाँ पे कितना है, 6.5 इंच है, 6.5 इंच है। अब इसका हमको आधा लेना है, तो हम क्या करेंगे, 3.5 इंच से थोड़ा सा आगे तरफ लेंगे, 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक दाग दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, यहाँ से ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो आपको गोल का शेप देना है ना, यहाँ पे आपको गोलाई का शेप देना है, गोलाई का शेप दे दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट था इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ले जाएंगे कोना में, और फिर हम इस कोना से यहां तक ले आएंगे, देखिए हो गया। अब हम जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे सिंपल कटिंग कर देना है, यहाँ का जो गोलाई था ये भी कटिंग कर लेंगे। देखिए ये डिजाइन आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ये आप कुर्ती में भी बैक नेक पे लगा सकते हैं, बैक साइड में लगा सकते हैं, और ब्लाउज का भी बैक साइड में आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिजाइन है। अब यहाँ पे आप क्या करना है, आपको यहाँ पे एक डोरी लगाना है, डोरी लगाने के बाद यहाँ पे आप एक लटकन बना दीजिएगा, तो आपका जो ब्लाउज का डिजाइन है वो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया एक वाला डिजाइन, ये डिजाइन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर हम एक पेपर लेंगे,
पेपर को फिर एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड किए, अब देखिए यहां से हम दो इंच लेंगे, सॉरी ढाई इंच लेंगे अंदर तरफ, ठीक है। अब ब्लाउज का जो लंबाई है वो नापेंगे, ये आपको ब्लाउज में पैकने डिजाइन है, ये ब्लाउज का है, आप चाहो तो कुर्ती में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, 10 इंच लेंगे लंबाई। अब इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके हो गया। अब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, पहले चरकुट करके, देखिए चरकुट करके मिलाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है ना नीचे तरफ से हम ऊपर तरफ नापेंगे 2 इंच, ठीक है, 2 इंच ले लिए। अब हम जहाँ से 2 इंच लिए थे वहाँ से ऊपर तरफ लेंगे 3 इंच, 3 इंच लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे ऊपर तरफ से हम 3 इंच पर दाग देंगे और इसको जो है इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम गोलाई का शेप दे देंगे ताकि यहाँ पे जो है डोरी का यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए हो गया आपका गला का गोलाई। अब यहाँ पे और यहाँ पे कैसे आपको डिज़ाइन देना है, ठीक है। देखिए ये हो गया डिज़ाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर तरफ ज़्यादा नहीं लेंगे, यहाँ पे अंदर तरफ 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम अंदर तरफ 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच ले लिए। 1.5 इंच लेने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से इसको तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम लिए थे इसको भी हम इस तरीके से तिरछा करते हुए और मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। अब बचा ये वाला इस पॉइंट को आप कैसे क्या कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से इस तरीके से गोल करते हुए और कटिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से गोल करके और आपको कटिंग करना है। तो ये जो डिज़ाइन है वो एकदम यूनिक डिज़ाइन है, आप ब्लाउज में यूज़ करके देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। देखिए अब कटिंग करके आपको दिखाते हैं कि कैसा दिखेगा। थोड़ा कटिंग करते वक्त हिसाब से कटिंग कीजिएगा। देखिए कटिंग हो गया। अब इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा आएगा। देखिए इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से आएगा, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आप लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे बटन का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर बटन का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप आराम से डोरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डोरी का यूज़ कीजिएगा और इन दोनों पर बटन का यूज़ कीजिएगा तो जो ब्लाउज़ का साइज डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा बन के आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये हो गया सेकंड नंबर वाला। अब देखिए क्या करना है, फिर से पेपर लिए, फिर से वही सेम चीज डबल फोल्ड करेंगे पहले, डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से नापेंगे अंदर तरफ, हम इसमें हम डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन में हम 3 इंच लेंगे अंदर तरफ, ठीक है। इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 3 इंच लिए अंदर तरफ। अब हम क्या करेंगे, इसका लंबाई नापेंगे कि इसका लंबाई हमको कितना लेना है, ठीक है। तो इसका लंबाई हम ज़्यादा डीप रख रहे हैं तो इसका हम 10 इंच लंबाई रखेंगे, सीधा लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसको भी हम इस तरीके से चरकुट कर लेंगे,
अब देखिए ब्लाउज का डिजाइन आप क्या दीजिएगा इसमें, ठीक है। इसमें हम डिजाइन देंगे, देखिए 10 इंच है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे पूरा गोलाई का शेप देंगे, देखिए इस तरीके से गोलाई का हम शेप दे दिए, गोलाई का शेप दे दिए। अब ध्यान रखिएगा कि इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम ड्राइंग किए। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट से हम जितना इस तरफ लिए थे 3 इंच, उतना ही हमें इस तरफ भी लेना है 3 इंच, और जितना हम लिए थे उस तरफ लंबाई उतना हमको इस तरफ भी लेना है लंबाई। तो उसमें हम 10 इंच लिए थे, इस तरफ भी हम 10 इंच लेंगे, देखिए। अब इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अब क्या करना है, यहां से तो हम गोलाई का शेप दिए, गोलाई का शेप दिए, और ये वाला जो है ये हमारा सीधा ही होगा, ठीक है। अब कटिंग करेंगे हम इस तरीके से, देखिए बैक साइड का जो डिजाइन होगा कुछ इस तरीके से होगा, एक तरफ से गोल होगा और एक तरफ से सीधा होगा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन इसमें लगा सकते हैं। तो जो ब्लाउज का डिजाइन है बहुत ही प्यारा बन के आएगा। यहां पर आप कोई भी स्टोन लगा सकते हैं इस जगह पे, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा ये वाला। तो ये आपका हमेशा से ब्लाउज पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कुर्ती पर यूज़ कर सकते हैं पर ब्लाउज पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा 3rd नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए, अब हम ब्लाउज का 3 वाला 3 को हम दिखा दिए, ब्लाउज का भी और कुर्ती का भी बैक साइड वाला डिज़ाइन। अब हम कुर्ती का फ्रंट साइड वाला दिखाते हैं कि आप फ्रंट साइड में कैसा डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड किए, अब हम अंदर तरफ लेंगे 3 इंच। ये हमारा फ्रंट साइड है तो हम मिनिमम डीप 6 इंच ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच या तो 6 इंच ले लेंगे, देखिए 6 इंच हम रख रहे हैं डीप। अब इसको हम इस तरीके से चरकुट कर लेंगे। अब इसमें हम ड्रॉ करेंगे कि आपको कैसा डिजाइन देना है, ठीक है। ये वाला इस तरीके से अंदर तरफ करते हुए और ले आना है, देखिए क्लियर है। ये वाला डिजाइन कुर्ती का फ्रंट साइड में बहुत अच्छा लगता है और बनाने में भी बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीका है, आप बहुत ही आसानी से ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए ये हो गया आपका फ्रंट साइड वाला डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा लगता है। आप चाहो तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में या सभ्यसाची ब्लाउज में फ्रंट साइड में ये वाला डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं ब्लाउज में भी, ठीक है। तो कुर्ती और ब्लाउज दोनों का आपका बैक फ्रंट साइड वाला डिज़ाइन ये आप लगा सकते हैं और बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। कटिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आता है और स्टिचिंग करने में भी बहुत ही आसानी से आप स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4th नंबर वाला ब्लाउज का डिज़ाइन या तो कुर्ती का फ्रंट साइड वाला डिज़ाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला फिर एक पेपर ले लिए, इसको हम फिर से एक बार फोल्ड करेंगे। अब देखिए ये वाला हम क्या करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे,
इसका हम डिप 2 इंच ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा डिप नहीं रखेंगे इसका, ठीक है। और हम यहाँ से चौड़ाई नापेंगे कि आपको कितना लंबाई रखना है। चौड़ाई हमारा 2 इंच हो गया, लंबा हम रखेंगे 9 इंच। आप चाहो तो ज़्यादा डिप रख सकते हो गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको चरकुट कर लें। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या डिज़ाइन है जो मेरा पीछे तरफ फैलेगा, ठीक है। ये डिज़ाइन हो गया आपका वी डिज़ाइन, हम बनाने वाले हैं। वी डिज़ाइन में क्या होता है कि आपका जो पीछे साइड है वो फैलता है ज़्यादा, तो इसलिए क्या करना है, ये वाला जो है ज़्यादा डिप नहीं लेना है। ज़्यादा डिप लेने से बहुत ज़्यादा फैल जाता है और कंधा गिरने का डर रहता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से वी डिज़ाइन में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे लाइन ड्रॉ करेंगे वैसे ही हम कटिंग कर लेंगे। देख इस तरीके से होगा, तो ये वाला जो है वी डिज़ाइन है तो ये बहुत ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो इसलिए वी डिज़ाइन में आपको उतना ही लेना है जितना हम आपको बताएं। तो ये हो गया हमारा 5वां डिज़ाइन। अब देखिए हम एक और डिज़ाइन आपको बताते हैं। ये हम आपको बताएंगे कुर्ती या तो ब्लाउज का फ्रंट साइड में आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट साइड में बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए क्या करना है, इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड में फोल्ड करेंगे। और हम यहाँ पे लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच लिए, फ्रंट साइड है तो लंबाई हम ज़्यादा नहीं लेंगे, लंबाई लेंगे हम 6 इंच। 6 इंच ले लें। अब इसको हम इस तरीके से चरखुट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 6 इंच लिए तो नीचे तरफ हम लेंगे 3 इंच, और 3 इंच पर एक दाग दिए और इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, हो गया। अब इसको पहले गोलाई का शेप देंगे, ये गोल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक गोलाई का शेप देना है डिज़ाइन के लिए। अब जैसे लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से डिज़ाइन आएगा। ये आप कुर्ती में भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लाउज में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लाउज में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक स्टोन का यूज़ कीजिए, और अगर आप कुर्ती में यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक डोरी का यूज़ कीजिए। बहुत प्यारा लुक आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। ये हो गया आपका ब्लाउज़ का और कुर्ती का, दोनों का फ्रंट साइड वाला डिज़ाइन। ये है 6 नंबर वाला, ठीक है। अब देखिए 7वां डिज़ाइन हमारा कैसा होगा। इसको इस तरीके से हम डबल फोल्ड किए, डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इसका 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, लंबाई नापेंगे 9.5 इंच, ठीक है। इसका लंबाई हम ले रहे हैं 9.5 इंच। अब इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर दिए। अब देखिए आपको कैसे डिज़ाइन देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम डोरी का नाप लेंगे कि आपको कितना दूरी पर, कंधा से कितना नीचे आपको डोरी का नाप लेना है। तो डोरी का नाप हम ले लेंगे यहाँ से 3 इंच पर, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और क्या करेंगे, हम यहाँ पे गोलाई का शेप देंगे, ठीक है। गोलाई का शेप दे दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है यहाँ से हम इस तरीके से एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हम एक सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, सीधा लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से डिज़ाइन देंगे।
देखिए इस तरीके से हम डिज़ाइन देंगे, ठीक है। और ये वाला हमारा जो है ये सीधा ही रहेगा। अब जैसे हम लाइन ड्रॉ किए हैं वैसे कटिंग कर लेंगे। और ये वाला जो है, ये वाला अगर आपको एक समान नहीं आ रहा है आपसे, तो आप ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बोतल का एक ढक्कन लीजिए और ढक्कन रख रख के गोलाई का शेप दीजिए, ताकि जो गोलाई का शेप हो, हर गोलाई का शेप एक समान हो, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से जो है डिज़ाइन आएगा। ये हो गया आपका बैक साइड का डिज़ाइन। तो देखिए डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। ये भी ब्लाउज का पीछे साइड में और कुर्ती का भी पीछे साइड में बहुत प्यारा लुक आता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन आपका हो गया कितना नंबर वाला, 7 नंबर वाला। ये हो गया आपका 7वां नंबर वाला ब्लाउज का डिजाइन, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर का, ये वाला डिजाइन है। फिर हम सीखें ये वाला डिजाइन, फिर ये वाला डिजाइन, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल में नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।